बंगाल की धरती पर हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नितिन जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। नितिन जी, अगर बात करें पूरी सरकार की, तो कहीं ना कहीं आपके मंत्रालय को लेकर जो उपलब्धियां हैं वो हर चुनाव में आगे आती हैं। यहाँ भी आपको पार्टी ने लगाया है, कई पहले भी आप यहाँ पर सभाएं कर चुके हैं, आगे भी कई सभाएं हैं। क्या मैसेज देंगे यहाँ पर बंगाल के लोगों को? देखिए, मेरा विश्वास है कि बंगाल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता है। पिछले 5-6 साल में हमने बहुत कोशिश की और बहुत विकास भी किया है। हमें कम से कम और 1 लाख करोड़ के रोड तुरंत काम शुरू करना चाहते हैं, पर लैंड एक्विजिशन नहीं होता, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता, राज्य सरकार का जितना सहयोग चाहिए उतना नहीं मिलता। मैं बंगाल की जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहिए, डबल इंजन लगा दीजिए। हम बंगाल में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के नए रोड का काम तुरंत शुरू कर देंगे और बंगाल की तस्वीर बदल देंगे, ये विश्वास मैं जनता को देना चाहता हूं। बंगाल की जनता ने सीपीएम को भी अजमाया, कांग्रेस को भी अजमाया, तृणमूल कांग्रेस को भी अजमाया, फिर भी बंगाल का विकास नहीं हुआ। अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और बंगाल के विकास के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने ना की लड़ाई लगभग बना दिया है, ऐसा मानकर लोग चल रहे हैं। सारे हेवी वेट्स नेता, हेवी वेट्स मंत्री, सबको चुनाव प्रचार में धरती पे लाया गया है, झोंक दिया गया है। ये तृणमूल और बाकी पार्टियां भी ऐसे आरोप लगा रही है। क्या वजह है, एक स्टेट को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और चुनाव पार्टी के लिए एक लड़ाई होती है, और जब भी छोटा बड़ा कोई भी चुनाव हो, पार्टी के सब नेता और कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में अनेक नेता है। जिस पार्टी में एक ही नेता है और उसी की पार्टी और पार्टी का नेता वही है, वहां फर्क होता है। हमारे पार्टी सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र के आधार पर काम करने वाली, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परंपरा को लेकर आगे चलने वाली पार्टी है, और इसलिए जब भी चुनाव होता है तो कार्यकर्ता भी सब काम को लगते हैं, नेता भी काम को लगते हैं और पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया, उसमें जो उनके साथ एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कहा ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, उससे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बंगाल की जनता में कुछ हमदर्दी पैदा होगी इस बातों को? नहीं, वो तो एक्सीडेंट था और मुझे लगता है ऐसी बातों को नहीं भुलाना चाहिए। हम राजनीति की लड़ाई विचारों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर और काम के आधार पर लड़ना चाहिए। ममता जी ने पिछले 5 साल क्या काम किया, कितनी अपेक्षाएं लोगों की पूरा की, ये लोगों को बताएं। और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में दिल्ली में हमने कितना काम किया और अभी कितना काम कर रहे हैं, और इसके आधार पर हम बंगाल का विकास कैसा करना चाहते हैं, हम बताएं। जनता की अदालत में जनता उसका निर्णय करे। एक महिला मुख्यमंत्री चोटिल होकर व्हील चेयर पर प्रचार कर रही है, नितिन जी क्या लगता नहीं कि जनता की हमदर्दी इससे होगी? कोई व्हील चेयर पर आएगा, कोई स्ट्रेचर पर आएगा, इसका मतलब जनता को सब बातें मालूम होती है। आखिर जनता बहुत होशियार है, उनको पता है कि एक्सीडेंट है, और इसलिए इसको भुनाने के लिए इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि जनता इसी बातों पर विश्वास रखे। इतनी बड़ी पार्टी में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई चेहरा क्यों नहीं उतारा गया? उचित समय पर हम चेहरे हमारे पास, पार्टी अप्रोप्रिएट टाइम पर निश्चित रूप से अपने चेहरे को ओपन करेगी और वो चेहरा बंगाल का ही होगा, ये पहले हम कह चुके हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने कल भी रेजिग्नेशन दिया, उनका कहना है कि भाजपा का कैडर जो है वो बदलता जा रहा है, बाहर से लोगों को लाकर ज्वाइन कराई जा रही है, अपने जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी यही भारतीय जनता पार्टी के चलिए, और इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं है। चुनाव में किसी को टिकट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, राजी नाराजी होती है, लोकतंत्र में ये चलते ही रहता है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें जो है कोई कहता होगा तो गलत है। ममता बनर्जी कह रही है कि खेला हो गए और बीजेपी कह रही है खेला शेष हुआ, 200 अब की बार 200 पार का नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की। आप भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं लगातार बंगाल में, अभी भी आप जनता के सामने जाएंगे, कितनी सीटें अगर कहा जाए वास्तविक रूप में, क्या लगता है कि कंफर्टेबल अकेले सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इस समय मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी, बंगाल में परिवर्तन होगा और बंगाल के गांव, गरीब, मजदूर, किसान सब हमें साथ देंगे। जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर सब जनता साथ देगी, क्योंकि बंगाल की जनता चेंज चाहती है, परिवर्तन चाहती है। वो सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को आजमा चुकी है,
अब परिवर्तन के लिए भाजपा ही ऑप्शन है और जनता का सपोर्ट भाजपा को मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। नितिन जी, सालों बाद बंगाल में ये देखने को मिल रहा है माहौल में कि एक राइटिस्ट विंग की पार्टी के नाम पर बंगाल की जनता एकजुट होती दिख रही है और पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा की उम्मीदवारी के लिए लाइन लगी थी लेकिन बावजूद 4 सांसद भी उतारे गए, क्या इसकी क्या वजह है? देखिए, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट एक बुकिश कंसेप्ट है। हमारी पार्टी न राइटिस्ट है न लेफ्टिस्ट है। हमारी पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, किसान के साथ काम करने वाली पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की विचार हमारी जीवन निष्ठा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसी को भगवान मानकर हम निरंतर काम करें और उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिला कर दें। हम इस प्रकार की कोई बातों पर विश्वास नहीं रखते। गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हम बंगाल को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति देंगे और सुखी, समृद्ध, संपन्न बंगाल बनाएंगे और मैं अपने विभाग के दौर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल को डबल इंजन भाजपा का लगा दो स्टेट में भी। हमें 1,00,000 करोड़ के रोड कम से कम बंगाल में, हम तुरंत उसका काम शुरू करेंगे, ये विश्वास देता हूं। अभी सरकार जो है हमें लैंड एक्विजिशन और इंडिविजुअली शिफ्टिंग, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट में सहयोग नहीं मिलता। क्या अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं बंगाल में विकास कार्य को लेकर? लैंड ही एक्वायर्ड नहीं होती, अतिक्रमण भी नहीं हटाए जाते तो हम रोड नहीं बना पाते, पर अगर सरकार हमारी आएगी तो ये गति बढ़ेगी और 1,00,000 करोड़ के रोड कम से कम हम बंगाल में बना कर देंगे, ऐसा विश्वास मैं जनता को देता। एक आखिरी सवाल नितिन जी, बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने घेरा और ये दावा कर रही है कि वो नंदीग्राम में उन्हें हरा देगी, उन्हीं की पार्टी के पुराने नेता जो भाजपा में आए हैं शुभेंदु अधिकारी को जीता, क्या आप लगता है मुख्यमंत्री क्या इनको हरा देंगे, आपकी पार्टी हरा देंगे? देखिए, इस समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, जनता भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रही है और कुछ भी हो सकता है, जीत हमारी होगी और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, यही मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कोलकाता पहुंच चुके हैं, उनका कहना है कि बंगाल की जनता आज उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं दिया हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तमाम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरती है और जीत उनकी सुनिश्चित है। ईटीवी भारत के लिए कोलकाता से अनामिका रत्ना।